15 अप्रैल से फिर पटरी पर दौड़ सकती हैं ट्रेनें। रेलवे ने शुरू कर दी है टिकटों की बुकिंग। जी हां, लॉकडाउन के दौरान 14 अप्रैल तक ट्रेनों का संचालन रद्द है, लेकिन 15 अप्रैल से कई ट्रेनें फिर से दौड़ सकती हैं। इसको लेकर रेलवे ने टिकट बुकिंग शुरू कर दी है। IRCTC की वेबसाइट पर लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक भी कराए हैं, साथ ही कुछ ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट शुरू हो गई है। अभी स्टेशनों पर टिकट की बुकिंग नहीं हो रही है। हालांकि रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने यात्री ट्रेन चलाए जाने के संबंध में अभी तक कोई निर्णय न आने की बात कही है। कोरोना वायरस को लेकर देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद रेलवे ने पहले कई ट्रेनों को रद्द किया था, बाद में 14 अप्रैल तक के लिए देश में ट्रेनों का संचालन ही बंद कर दिया गया। इसके बाद यात्रियों के आरक्षित रेलवे टिकटों का ऑनलाइन रिटर्न की भी बात कही गई थी। साथ ही कहा गया था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वहां टिकट बुक किए जाएंगे। 15 अप्रैल से रेल यात्रा के लिए रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू की है। बुकिंग काउंटर फिलहाल बंद है। लोगों ने तेजी से ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग करने भी शुरू कर दी है, जिससे ट्रेनों में सीटों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सेंट्रल से नई दिल्ली को जाने वाली कानपुर शताब्दी एग्जीक्यूटिव श्रेणी में शाम 4:30 से लेकर 34 सीट लखनऊ से नई दिल्ली के जाने वाली पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस के एग्जीक्यूटिव श्रेणी में 12 सीटें ही खाली हैं। वहीं महाबोधि व गोरखधाम एक्सप्रेस में स्लीपर श्रेणी में तो वेटिंग लिस्ट भी आ गई है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि यात्री ट्रेनों को चलाने का निर्णय रेलवे बोर्ड लेगा। ट्रेनों का परिचालन कब शुरू होगा, इस संबंध में अभी कोई आदेश नहीं मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, द गरम पोस्ट।